मध्य प्रदेश के इस अति महत्वपूर्ण विधानसभा उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। अलग अलग विधानसभाओं के लिए अलग अलग संकल्प पत्र है, लेकिन सभी संकल्प पत्र में एक बात समान है और वो है मध्य प्रदेश के निवासियों के लिए कोरोना की मुफ्त वैक्सीन। इससे पहले बिहार विधानसभा चुनाव के लिए भी भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को कोरोना का फ्री वैक्सीन देने का वादा किया था, उसे अब मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी दोहरा रही है। लेकिन एक जो कंफ्यूजन है प्रदेश अध्यक्ष जी, वो ये कि ये वैक्सीन मध्य प्रदेश के हर वासी को मिलेगी या केवल उसी को जो इसका व्यय उठा नहीं सकते। जहां तक कोरोना वैक्सीन के मामले में केंद्र की सरकार, इसके ऊपर जब वैक्सीन आएगा तो उसके बारे में मध्य प्रदेश के वासियों को माननीय मुख्यमंत्री ने जो कहा है कि हम मध्य प्रदेश के उन लोगों को जिनको वैक्सीन चाहिए उस वैक्सीन को उपलब्ध कराने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश के अंदर करेगी। एक बात और ये भी है कि पूरे संकल्प पत्र में किसानों पे और चंबल संभाग जो है, ग्वालियर चंबल संभाग, उस पर खास फोकस किया गया है। 16 सीटें हैं वहाँ पे विधानसभा उपचुनाव की, क्या ये वजह है? देखिए, हर विधानसभा का एक अलग से संकल्प पत्र है, क्योंकि बाई इलेक्शन है। बाई इलेक्शन में उन मुद्दों पर जो उस क्षेत्र के विकास के लिए इन 6 महीनों में सरकार ने जिन कामों को किया है उसके आधार पर, खास तौर पर चंबल क्षेत्र के अंदर चंबल एक्सप्रेस वे भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नितिन गडकरी जी ने उस समय दिया था, जो एक विकास का रास्ता खुला था, कमलनाथ की सरकार ने उसको ब्रेक किया। अब वो प्रोग्रेसिव वे बनकर उसको फिर से हमने उस एजेंडे में लिया है और नितिन गडकरी जी ने और सरकार ने उसको आगे ले जाने का प्रयास और उसको प्रोग्रेसिव वे ले जाकर के चंबल के विकास की एक बड़ी रणनीति भाजपा की सरकार ने दी है। तो वो भी इस सभी वहाँ के चंबल की जो हमारी विधानसभाएं उनके घोषणा पत्र के अंदर वो है। और खासकर किसानों के बारे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों के लिए, उनको सशक्त बनाने के लिए जो हो सकता है, उन सारे मुद्दों को किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने अपने विधानसभा के संकल्प पत्रों में उनको लिया है। कांग्रेस ने इससे पहले अलग अलग विधानसभाओं के लिए अपने वचन पत्र जारी किए, क्या उसी की देखा देखी भारतीय जनता पार्टी ने भी ये इसी रणनीति के तहत अलग अलग विधानसभाओं के लिए संकल्प जारी किए? भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस को कभी देख करके चीजें नहीं, भारतीय जनता पार्टी का अपना स्वतंत्र नेटवर्क है, स्वतंत्र हमारा काम है, उसके आधार पर हमने उन चीजों को किया है। इसलिए उनको तो अधिकार ही नहीं है वचन पत्र देने का कांग्रेस को, क्योंकि आपने जो वचन पहले तय किए थे, जो वादे किए थे, आपने तो एक वादा पूरा नहीं किया। आप तो पुराने अपने उस वचन पत्र को ला करके रखिए जनता के सामने। तो ये खोखला वचन पत्र लाना, झूठा वचन पत्र लाना, जो हम कभी कर नहीं सकते और जिनको आपने कभी किया नहीं, तो मध्य प्रदेश की जनता तो आपसे पूछना चाहती है जो वादे आपने पहले किए थे उनका क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी उन कामों को कर रही है जो काम विधानसभा के क्षेत्र में विकास के मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर और जो आज की आवश्यकता है, उन सारे मुद्दों को भाजपा ने लिया जिनको हम करते हैं। कांग्रेस कह रही है कि आप कोरोना को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं इस चुनाव में, जब वैक्सीन ही नहीं आई है तो भाजपा उसे देने का वादा कैसे कर रही है, ये कांग्रेस का कहना? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गरीब कल्याण के लिए क्या हो सकता है, आपने देखा आयुष्मान भारत पूरे देश के अंदर उन गरीबों के लिए जिनको जो मेडिकल की सुविधाएं उठा नहीं सकती, उन सबको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने आयुष्मान भारत में 5 लाख तक का फ्री इलाज उनको उपलब्ध कराया देश के अंदर। ये दुनिया के अंदर पहली बार ऐसा हुआ है। तो ऐसी जो आवश्यकताएं देश के अंदर हैं उन पर चर्चा करना, उनके बारे में बात करना, ये तो आवश्यक है आज के समय में। इसलिए कोरोना के महामारी के संकट में कमलनाथ जी से मैं पूछना चाहता हूं कि उनकी सरकार थी, कोरोना की एडवाइजरी जारी हो गई थी केंद्र की, लेकिन आप आइफा बांट कर रहे थे। कोरोना के बारे में कमलनाथ जी ने एक लाइन नहीं बोली है, मीडिया के सामने कहा था अरे तो राजनीतिक वायरस है, देखेंगे आगे क्या होता है, ये भाषा थी कमलनाथ जी की। तो इनको कोई अधिकार नहीं इन चीजों को कहने का। कोरोना में भाजपा ने बहुत सक्षम तरीके से हर लोगों को कैसे हम कोरोना के संकट से निजात दिला सकते हैं, ये प्रयास भाजपा की सरकार ने किया। एक आपकी सवाल और आपका रहेगा कि कल जो संकल्प पत्र जारी हुआ है, एक बार फिर से कांग्रेस उस पर ये कह के तंग कस रही है कि कवर पेज से ज्योतिरादित्य सिंधिया का फोटो गायब है, उनका फोटो जहां है भी वो 5वें नंबर पर नीचे दूसरी पंक्ति में है, जिससे पहले नरेंद्र सिंह तोमर, थावरचंद गहलोत, उमा भारती, कैलाश विजयवर्गीय के बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का छोटा सा फोटो लगाया। कांग्रेस का कहना है कि जिसकी वजह से चुनाव मध्य प्रदेश में उपचुनाव हो रहे हैं भाजपा ने उसे ही भुला दिया। अगर कमलनाथ जी इस बात को बहुत पहले ध्यान कर लेते कि किसके कारण से सरकार बनी, कि सिंधिया के कारण से ग्वालियर चंबल रीजन से अगर सरकार बनी तो आप ही जरा उनकी चिंता कर लेते तो आपका ये सब होता ही नहीं। जो उन्होंने कहा था कि वादे पूरे नहीं हो रहे, सिंधिया जी ने जिन बातों का उल्लेख किया था, सड़कों पर उतरने की बात की थी, तो आपने तो चैलेंज किया था कमलनाथ जी उनको,
तो उतर जाओ सड़कों पर, वो उतर गए, आप भी सड़क पर आ गए, लेकिन आपको भाजपा की सब चीजों की चिंता है। ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा के सम्माननीय राज्यसभा के सदस्य हैं, हमारे वरिष्ठ नेता हैं, उनको जहां सम्मान जिस स्थान पर मिलना चाहिए बिल्कुल बहुत उसके साथ मिल रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं कि आप इन चीजों को लाकर आप 15 महीने के कार्यकाल को क्यों भुलाना चाहते हैं लोगों को? आप 15 महीने में जो आपने दुरावस्था की मध्य प्रदेश की दिग्विजय सिंह के इशारे पर, उसकी चर्चा करो ना आप, कि मध्य प्रदेश के अंदर आपने 15 महीने में कैसे दुरावस्था की, गरीब कल्याण की योजनाओं को बंद करके हक छीन लिया लोगों का, आप उसकी चर्चा नहीं करते। आप डाइवर्ट करना चाहते हैं, सिंधिया जी का फोटो नहीं है, सिंधिया जी जानते ना इस बात को, तो भाजपा का अपना पद्धति है, अपना एक सिस्टम है, उसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी चलती है। तो इसलिए कोई कमलनाथ जी कहेंगे उसके आधार पर नहीं होता है। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को उचित सम्मान, उचित स्थान भारतीय जनता पार्टी में है और हमेशा रहेगा। बहुत अच्छी बात करने की, ये थे मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी, जिन्होंने भाजपा का जो संकल्प पत्र जारी हुआ उस पर आज तक से खास बातचीत की। रवीश पाल सिंह, भोपाल।